फोर्स्ड ऑसिलेशन एंड रेजोनेंस, ध्यान से देखना ये फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या है। एक बच्चा स्विंग ले रहा है, झूला ले रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, झूले में बैठ तो जाता है छोटा बच्चा, वो उसको एक बार धक्का भी मार देते हैं कि जा यार तू उधर जा, 2 मीटर उधर गया, फिर वापस उसको स्लो हो जाता है झूला, 2 मीटर, 1 मीटर, आधा मीटर करते करते रुक जाता है। वो क्या बोलता है, धक्का दो और फोर्स लगाओ, ऐसे बोलता है। तो हम क्या करते हैं, हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगा के वापस उसमें एनर्जी आती है और ऑसिलेशन फिर से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केस में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाती है। हम फोर्स कैसी लगाते हैं, ऐसी लगाते हैं, एक बच्चा इधर से इधर आ रहा है तो मैं फोर्स ऑपोजिट लगाऊंगा, नहीं यार, अगर मैं ऑपोजिट लगाऊंगा फिर तो जो चल रहा है वो भी रुक जाएगा या गिर जाएगा, तो मैं कैसे लगाऊंगा, इन दी सेम डायरेक्शन लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, किसने कहा सर फोर्स लगाओ, अब क्या करूं, मैंने उसको पकड़ा मेन पोजीशन पे, पेंडुलम की तरफ आगे जा रहे हैं, तो क्या करूं, मान लो मैं 100 न्यूटन फोर्स लगाई, 100 100 100 100, अरे बच्चा गिर जाएगा या झूला टूट जाएगा। अगर आप लगातार उतनी फोर्स लगाते जाओगे फिर तो वो गिर जाएगा या टूट जाएगा। आप फोर्स कैसी लगाओगे, पहले ज्यादा फिर कम फिर कम फिर कम फिर रुक जाते हो, क्योंकि उसको आपको पता है आपको एक्सट्रीम पोजीशन आ गई, उसके ऊपर आपने फोर्स नहीं लगानी, अगर आपने और ज्यादा एक्सट्रीम पे खींच ही दिया तो रस्सी टूट जाएगी या वो गिर जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। फिर आप फोर्स जब नीचे आता है वो बच्चा, तो फोर्स आप कम लगाते हो, फिर आप तो हाथ ही लगाते हो, चल हाथ लगा देता हूँ तसल्ली के लिए, उसके बाद जैसे नीचे आता है उसको चढ़ाई चढ़नी है, फिर आप फोर्स फिर बढ़ानी स्टार्ट कर देते हो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, फिर आप इधर जाता है फिर आप फोर्स कम लगाते हो फिर बढ़ाते जाते हो, ऐसे तो फोर्स भी आप पीरियोडिकली लगाते हो, कभी ज्यादा कभी कम, कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, तो आप पीरियोडिक फोर्स लगाते हो ताकि आपकी ऑसिलेशन चलती रहे। इस टाइप की ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के ऑसिलेशन करवा रहे हो, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और रेजोनेंस क्या है बाद में डिस्कस करते हैं। अब वो कह रहे हैं इन सर्टन सिचुएशंस अपार्ट फ्रॉम रिस्टोरिंग फोर्स एंड डैम्पिंग फोर्स, तो रिस्टोरिंग फोर्स और डैम्पिंग फोर्स को अगर छोड़ दें, एक और फोर्स है जो हम अप्लाई करते हैं एक बॉडी के ऊपर विच इटसेल्फ चेंजेस पीरियोडिकली विद टाइम, जो पीरियोडिकली विद टाइम मैं ऐसी फोर्स लगाऊंगा जो चेंज होती रहेगी। सपोज अ फोर्स, तो पीरियोडिक जब भी, अब आपको पता लग गया जब भी कोई चीज पीरियोडिक बनानी है तो पीछे साइन या कॉस लगा दो, बात खत्म, अपने आप ही चीज पीरियोडिक हो जाएगी। तो मैंने मैक्सिमम फोर्स कितनी लगाई, एफ नॉट, और पीरियोडिक फोर्स क्या बनेगी, एफ नॉट साइन ओमेगा। ठीक, मान लो मैंने ये फोर्स लगाई और मैंने जो फोर्स लगाई उसमें एंगुलर जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या यूज की, ओमेगा। ओमेगा का मतलब 2π/T। तो मतलब कि अब एक चीज बताओ कि एक झूला जो झूल रहा है बच्चा, वो ओमेगा डैश के साथ, ओमेगा नॉट के साथ झूल रहा है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। मैं गया, मैंने पकड़ के झूले को झुलाना है। अब जो ये जो फाइट है दो लोगों में चलेगी, एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी में, झूला कहते हैं मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मूव करूंगा ओमेगा नॉट, और एक मैं कह रहा हूं भाई मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ओमेगा के साथ मूव कर, तो अल्टीमेटली मैं ही जीतूंगा क्योंकि एक्सटर्नल मैं हूं ना, चला तो मैंने, तो अल्टीमेटली जो फाइनल फ्रीक्वेंसी होगी सिस्टम की ओमेगा नॉट कभी नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, ओमेगा हो जाएगी, क्योंकि जो आप फोर्स लगा रहे हो सब आपके अकॉर्डिंगली अब चलेगा। तो फाइनल ओमेगा नॉट छोड़ के वो जो कोई भी SHM है वो किस में अपनी मोमेंट शो कर लेगा, ओमेगा में शो कर लेगा। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि सपोज करो आपने एक फोर्स लगाई एफ नॉट साइन ओमेगा टी, और डैम्पिंग भी थी, मान लो सिस्टम में डैम्पिंग भी थी, एयर की रेजिस्टेंस भी थी, तो ये फोर्स भी एक्ट कर रही है सिस्टम के ऊपर, और रिस्टोरिंग फोर्स भी थी। तो अब कुल मिला के कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही है, 3, एक रिस्टोरिंग कर रही है, एक डैम्पिंग कर रही है, और एक मेरी अप्लाइड फोर्स कर रही है। मेरी अप्लाइड फोर्स मोशन को कॉन्टिन्यू रखना चाहती है तो ये प्लस होएगी, रिस्टोरिंग फोर्स चाहती है बस मैं सिस्टम वापस जाए और बैठ जाए मेन पोजीशन पे तो नेगेटिव होता है, और डैम्पिंग भी चाहती है कि सिस्टम स्लो डाउन हो जाए तो ये भी नेगेटिव है। तो SHM की इक्वेशन इस केस में क्या बनेगी, ये पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन है SHM की। तो अगर डैम्पिंग है लगा दो ये माइनस में, रिस्टोरिंग तो लगेगी लगेगी हर हालत में, और अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो इसको ऐड कर दो। अब अगर हम इसे भी सॉल्व करें, वो कहता है हम कर नहीं सकते डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैथ चाहिए, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारी एक्स की जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी इसमें एक्स, वो इसके इक्वल आएगी, वेयर एम्पलीट्यूड बॉक्स में डालो ये याद होना चाहिए। तो एम्पलीट्यूड जो होगा, अब ये जो केस है इसमें फोर्स भी है, अप्लाइड फोर्स भी है, इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी है, इसमें डैम्पिंग फोर्स भी है, तो एम्पलीट्यूड इसके इक्वल होगा।
देयर ओमेगा नॉट इज नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इसे प्लीज बॉक्स में डालें, आपने फॉर्मुले याद करने हैं बस, एम्पलीट्यूड के कुछ भी नहीं करना, कहानी सुनते जाओ फॉर्मुले नोट कर लो बस, आपसे कोई कहानी लिखवा के नहीं देखेगा कोई भी, ठीक। पर आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये एम्पलीट्यूड है, इसमें एम्पलीट्यूड काफी बड़ा है, एफ नॉट बाई एम, एफ नॉट का मतलब मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड, ओमेगा का मतलब मेरी फोर्स की फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ओमेगा नॉट का मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास आंसर आएगा एम्पलीट्यूड का। और इसके अंदर वो कह रहे हैं कि इन फोर्स्ड ऑसिलेशन एनर्जी लॉस ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स इज कंपनसेटेड बाय वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। वो कह रहे हैं हो क्या रहा है, इसमें डैम्पिंग है, मान लो एक कोई बच्चा झूला झूल रहा है और डैम्पिंग है, तो उसका एम्पलीट्यूड कम 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 होता जाता है, पर वो कम हम होने नहीं देते क्योंकि हम पीछे से क्या अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाइड फोर्स। वो अप्लाइड फोर्स क्या कर रही है, एम्पलीट्यूड को मेंटेन करके रख रही है, यही समझा रहा है कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, वो फोर्स आपकी उसको पूरा करती जा रही है। तो ऐसे केस में जो ऑसिलेशंस हैं वो सस्टेन्ड हैं, मर नहीं जाती, वो जिंदा रहती हैं, चलती रहती हैं, ठीक, सस्टेन्ड हैं। तो अब इसमें इफ वी वेरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द अप्लाइड फोर्स एम्पलीट्यूड चेंजेस एंड बिकम मैक्सिमम व्हेन दिस सिचुएशन इज अप्लाइड। देखो वो क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझने वाली चीज है, याद नहीं करना कुछ भी। वो ये कह रहा है कि सपोज करो हमारे पास लेट अस सपोज एक पेंडुलम मूव कर रहा है, पेंडुलम मूव कर रहा है, कोई डैम्पिंग नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा नॉट। अगर डैम्पिंग हो जाती है तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ओमेगा डैश। और अगर फोर्स भी लगा देता हूं, डैम्पिंग भी है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ओमेगा। तो तीन तीन ओमेगा समझ में आ रहे हैं। अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, रिपीट कर रहा हूं, कोई डैम्पिंग नहीं, कोई फोर्स नहीं, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा नॉट। अगर डैम्पिंग है, सिर्फ डैम्पिंग, तो फ्रीक्वेंसी को इस पूरी थ्योरी में किससे रिप्रेजेंट किया, ओमेगा डैश। और अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा, ठीक है। मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है विद डैम्पिंग है और विद फोर्स है। अब वो ये कह रहा है कि सपोज करो एक मिनट के लिए एक पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा था, डैम्पिंग प्रेजेंट है, फोर्स मैंने नहीं लगाई अभी, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा डैश। और ओमेगा डैश का फॉर्मूला क्या था, ये हमने पीछे किया, वो लिख दिया मैंने ऊपर से विद डैम्पिंग कर दिया, ओमेगा डैश लिख लिया। अब बारी है मेरी फोर्स अप्लाई करने की, मैंने फोर्स ऐसे अप्लाई की कि मेरे फोर्स का ओमेगा और जो डैम्पिंग के साथ ओमेगा डैश था वो मैंने सेम कर दिया। ये देखो, ये मैंने एग्जैक्टली सेम कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि एक पेंडुलम एक एयर की फ्रिक्शन में मूव कर रहा था और वो मान लो इधर जा रहा था, अब मैंने फोर्स लगानी थी, मैंने फोर्स भी इधर ही लगा दी, जब पेंडुलम इधर जा रहा है तो मैंने फोर्स इधर लगा दी, जब पेंडुलम इधर जा रहा है तो मैंने फोर्स इधर लगा दी, ऑपोजिट नहीं लगाई। तो अगर मैं पेंडुलम की इच्छा के हिसाब से काम कर रहा हूं, पेंडुलम चाहता है कि मैं इधर जाना चाहता हूं, मैं भी कर सकता हूं, इधर फोर्स लगा देते हैं, तो हमारे विचार मिलते हैं, हमारे जो विचार मिलते हैं दो लोगों के, उसको बोलते हैं तुम रेजोनेंस में हो। दो लोगों के विचार मिलने का मतलब वो रेजोनेंस में, एक जैसी बातें कर रहे हैं, रेजोनेंस वर्ड इसे बोलते हैं, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करती है। अब फ्रीक्वेंसी मैच करने का मतलब क्या है, पेंडुलम चाहता है मैं ओमेगा डैश के साथ इधर जाऊं, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी फोर्स लगाऊंगा, अब मैं फोर्स लगाऊंगा और मैं भी यही चाहूंगा कि तू कि पेंडुलम इधर जाए, तो हम दोनों के विचार मिल रहे हैं, तो यानी कि ओमेगा और ओमेगा डैश हमारे क्या हो गए, सेम कर दिया। इससे होगा क्या, इससे ये होगा जो पेंडुलम इधर जा रहा था वो थोड़ा और दूर तक जा पाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा डैश से वो इधर 10 सेंटीमीटर तो जा ही रहा था, मेरे ओमेगा इधर ही अप्लाई करने से अब वो 10 की जगह हो सकता है 20 चला जाए, क्योंकि पेंडुलम इधर जा रहा है, मैं भी इधर फोर्स लगा रहा हूं, तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट याद रखना मेरी कि जब फ्रीक्वेंसी फोर्स की ओमेगा ओमेगा डैश के इक्वल होती है, सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, तो एम्पलीट्यूड नॉर्मल से बढ़ जाता है, तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाता है, और फ्रीक्वेंसी का मैच करना, ओमेगा ओमेगा डैश का मैच करना ताकि एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाए, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस का मतलब दो फ्रीक्वेंसीज का क्या करना, मैच होना। तो इसमें मेरी अप्लाइड फोर्स और सिस्टम की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या कर गई, मैच कर गई दोनों की फ्रीक्वेंसी। इसे होता क्या, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक। अब वो ये कह रहे हैं मान लो एक मिनट के लिए डैम्पिंग है ही नहीं, डैम्पिंग बिल्कुल ना के
ना बराबर है, तो बी को सबसे पहले उठा के क्या कर दिया, जीरो। तो अगर डैम्पिंग नहीं है तो सिस्टम किसके साथ मूव करेगा, ओमेगा नॉट नेचुरल फ्रीक्वेंसी का मूव करेगा, डैम्पिंग तो गई, सिस्टम ओमेगा नॉट के साथ मूव करेगा। और मान लो मैंने फोर्स अप्लाई कर दी और मेरी फोर्स का ओमेगा सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैंने मैच करवा दिया, कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहती है कि मैं तो आराम से 10-10 सेंटीमीटर तक मूव करूंगी, और मैंने फोर्स भी यही कहा कि ठीक है पेंडुलम इधर जा रहा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ तो मैं भी इधर ही लगा देता हूं फोर्स, तो एम्पलीट्यूड उस केस में कितना हो जाएगा, ये देखो डैम्पिंग तो है नहीं और मेरी जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी अब जो आएगी वो ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगी बिना डैम्पिंग के, जब मैं बी को जीरो पुट करूंगा तो ओमेगा डैश ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाएगा और रादर ओमेगा भी ओमेगा नॉट हो जाएगा। तो ऐसे केस में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा ये बताओ, एक बात बताओ, एम्पलीट्यूड डैम्पिंग के साथ और फोर्स के साथ इसके इक्वल होता है। मैं कह रहा हूं कि मान लो सिस्टम में डैम्पिंग नहीं है तो बी को उठा के जीरो, और मैं ये कह रहा हूं कि ऊपर से रेजोनेंस हो गई, रेजोनेंस का मतलब कि मेरी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच हो गई, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं, कि मैंने फ्रीक्वेंसी ओमेगा अप्लाई की और सिस्टम की क्या थी ओमेगा नॉट, तो मैच करवा दी, जब मैच हुई डिनोमिनेटर क्या हो गया जीरो, एम्पलीट्यूड क्या हो गया इंफिनिटी, तो ऑब्जेक्टिव आएगा रेजोनेंस पे फोर्स्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या होता है, आप बोलेंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इनफाइनाइट का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं कैसे, एग्जांपल ऐसे मान लो एक मिनट के लिए कि एक जैसे सपोज करो एक ब्रिज है, हल्का ब्रिज है और नदी के ऊपर है, ठीक पक्का नहीं है कच्चा ब्रिज है, और सोल्जर्स को उसके ऊपर मार्च पास्ट करना है, तो आर्मी वालों का ये रूल है कि जब भी कच्चा ब्रिज है उसके ऊपर मार्च पास्ट किया नहीं जाता, लेफ्ट राइट लेफ्ट किया नहीं जाता, रैंडम मूव करना होता है। क्यों, सोचो एक मिनट के लिए पुल पक्का नहीं है, झूल रहे हवा में ऊपर नीचे, सपोज वो नीचे जा रहा था और सभी सोल्जर्स ने सारा लेफ्ट का जो पैर है वो नीचे लगा दिया, अब पुल की इच्छा थी मैं नीचे जाऊं, सोल्जर की भी इच्छा है कि पुल नीचे जाए, दोनों के विचार मिल गए ना, रेजोनेंस हो गई, तो ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा नॉट, झूले की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ सोल्जर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो हो सकता है कि वो झूला, क्योंकि ऐसे केस में एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाएगा, लार्ज का मतलब जाना यहां तक था पर कुछ ज्यादा ही लार्ज नहीं हो गया, वापस ही नहीं आएगा, टूट ही जाएगा, ज्यादा लार्ज का मतलब है नीचे तक चला जाएगा। तो इसलिए ये रूल है कि हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर लेफ्ट राइट लेफ्ट नहीं, रैंडम मोशन में जाते हैं ताकि कहीं गलती से फ्रीक्वेंसी ब्रिज के साथ मैच कर ही ना जाए, वैसे जरूरी नहीं होता हमेशा टूटेगा टूटेगा, अगर बाय चांस ऐसा एक्सीडेंट हो जाए उसको अवॉइड करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक जैसे कोई बच्चा झूला ले रहा है, झूला चलो कच्चा है बहुत ज्यादा पक्का नहीं है, टूट भी सकता है, रस्सी टूट भी सकती है या बहुत दूर जा सकती है, तो हुआ क्या वो इधर जा रहा था ओमेगा नॉट के साथ, मैं आया मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई ओमेगा लगाया, मैंने कहा चल ठीक है तो उधर जा रहा है मैं भी तेरे को इधर ही फोर्स, अब देखो मैं झूला इधर जा रहा है मैंने भी इधर फोर्स लगा दी, हो सकता है एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाए और वो टूट ही जाए या फिर कोई बहुत दूर चला जाए मास, एम्पलीट्यूड लार्ज का मतलब बहुत दूर, रस्सी टूट जाएगी और क्या होगा, तो ये इसको बोलते हैं रेजोनेंस में आना। सपोज करो आपको एक ग्लास है, यहाँ पे विंडो ग्लास है, डीजे बजा दिया आपने जोर की तो शीशे खड़कने स्टार्ट हो जाते हैं, कई बार अगर बहुत लाउड वॉल्यूम है तो शीशे टूट भी जाते हैं, क्यों, अब देखो ना अब क्या हो रहा है, शीशे जो है वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशन वैसे भी हो रही होती है शीशे में, ग्लास के पार्टिकल हिलते हैं तो अंदर बाहर कर रहे हैं, अब अभी तो ग्लास के अंदर है उठ के बाहर तो नहीं आ जाएंगे, हल्का हल्का हिल रहा है, आपने साउंड बजाई या बॉम्ब का एक्सप्लोजन हो गया, कहीं बॉम्ब फट गया बहुत जोर की, तो हुआ उसने साउंड वेव जनरेट की, वो वेव में इतनी फोर्स है कि पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर पाएगा, वो फोर्स चाहती है पार्टिकल, इतनी एनर्जी है कि वो दूर जाए, तो उसको दूर ही जाना पड़ेगा, एम्पलीट्यूड लार्ज करना पड़ेगा, लार्ज का मतलब शीशे से बाहर निकलना पड़ेगा, शीशे ही टूट जाएगा और क्या होगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड बहुत कम था पहले, पर अगर रेजोनेंस हो जाए, साउंड की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, तो हो सकता है वो ब्रेक भी हो जाए, तो इस तरीके से जो है रेजोनेंस हो जाती है, ठीक। तो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स है रेजोनेंस के, स्पेशली जो ट्यूनिंग फोक्स सुने, ट्यूनिंग फोक्स नहीं, अगले चैप्टर में आएगा उसमें बताऊंगा, उसमें भी रेजोनेंस वर्ड यूज होता है। चलो कोई बात नहीं, इसको हम देखते हैं कि इसको कैसे, पर ये समझ में आ गया
इसके अंदर मैंने ये समझाया कि रेजोनेंस में फ्रीक्वेंसी का मैच करना नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ताकि एम्पलीट्यूड लार्ज हो जाए, उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। तो इसके अंदर यही बताया हुआ है कि दिस इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट इन डिजाइनिंग ब्रिजेस एंड अदर सिविल कंस्ट्रक्शन। तो ये ध्यान में रखा जाता है इन चीज़ों का। तो जुलाई 1940 में एक ब्रिज बना था टोकोमा नैरोज वॉशिंगटन के अंदर, सच में बना 1940 में। 4 महीने के बाद ट्रैफिक के लिए खोला और वो टूट गया। अब कैसे टूट गया? हवा में झूल रहा था, हल्की सी विंड चली, हवा चली ऊपर नीचे। अब एक्सीडेंट हो गया। देखो क्या एक्सीडेंट हुआ कि ब्रिज ऊपर नीचे जा रहा था, जब ब्रिज नीचे जा रहा था हवा भी नीचे की चल पड़ी, दोनों की फ्रिक्वेंसी मैच हो गई, तो एम्पलीट्यूड लार्ज हो गया। ब्रिज का एम्पलीट्यूड जब लार्ज हुआ वापस ही नहीं आया, वो टूट ही गया, बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए जब डिजाइनिंग होती है ध्यान में रखा जाता है कितनी ऑसिलेशंस है ब्रिज की और कैसे अगर हवा चलेगी तो उसके ऊपर क्या असर करेगी। ठीक, तो अगर अगर हम फोर्स लगाएं, अगर हम फोर्स लगाएं और फोर्स से अपनी फ्रिक्वेंसी को नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करवाएं तो उस वाइब्रेशन को क्या बोलते हैं? रेजोनेंट वाइब्रेशंस। तो रेजोनेंट वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन है जिसमें रेजोनेंस हो जाती है, जिसमें दो चीजों की फ्रिक्वेंसी मैच हो जाती है, वो रेजोनेंट वाइब्रेशन है। तो ये देखो आपकी फ्रिक्वेंसी ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाती है और एम्पलीट्यूड ऐसे केस में क्या हो जाता है? लार्ज या इनफाइनाइट हो जाता है। तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया ट्यूनिंग फोक एग्जाम्पल, उसमें हम करेंगे सोल्जर्स का एग्जाम्पल, हम कर चुके हैं इसमें। तो ये मैंने अभी करवाया, इसके बेस पे ना इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल देखो, ये देखो इसमें आगे यहाँ ये डायग्राम बना हुआ है ना, यहाँ पे है SHM विद डैम्पिंग। तो ये तो NCERT की थ्योरी थी, इसके बेस पे ना मैंने ये शॉर्टकट फॉर्मूला लिख रखे हैं, जब आप कॉम्पिटिशन में बैठेंगे तो फॉर्मूला से काम चल जाएगा आपका। क्या कि जब डैम्पिंग नहीं है तो SHM की इक्वेशन है, SHM की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अगर डैम्पिंग है तो ये इक्वेशन है, वो फोर्स है, अपोजिंग फोर्स है और ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये हमने मार्क कर लिया, और ओमेगा डैश इसके इक्वल है, ये मैंने आपको मार्क करवा दिया था। तो उसके बाद अगर फोर्स्ड ऑसिलेशन है तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में ये इक्वेशन है SHM की, इसको सॉल्व करके ये एम्पलीट्यूड है, तो मैंने ये बता दिया। और एम्पलीट्यूड लार्ज को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। और ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब रेजोनेंस हो जाती है, ओमेगा और ओमेगा नॉट मैच कर जाते हैं। तो ये हमने किया, इसके बेस पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान से देख लो, ऐसा क्वेश्चन आएगा और आएगा पेपर में, कंपटीशन में आता है ज्यादातर। एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन इज 1/3 in 2 seconds। तो एम्पलीट्यूड कितना है? 1/3 है 2 सेकंड में। तो अगर एम्पलीट्यूड डैम्पिंग, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब डैम्पिंग हो रही है, तो एम्पलीट्यूड A0 कीजिएगा, A0/3 है। एम्पलीट्यूड निकाल लो जब टाइम कितना है? 6 सेकंड है। दो केस बना लेते हैं। तो एम्पलीट्यूड डैम्पिंग, डैम्पिंग के अंदर ये यूज करेंगे, पहले केस में एम्पलीट्यूड A0/3 है जब टाइम कितना है यहां पर? 2 सेकंड है। 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गए। तो पहला स्टेप क्लियर है यहां तक। दूसरा स्टेप है केस नंबर 2, जब टाइम कितना है? 6 सेकंड है। तो टाइम की जगह 6 सेकंड पुट करेंगे, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 6 होता है, तो 3 को इसके होल स्क्वायर बना देंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि मैथ्स में एक्सपोनेंट का रूल कहता है इसको 2, 3 ऊपर ले जाओ होल स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसकी वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी? 1/3। तो 1/3 का क्यूब क्या आएगा? A0/27। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी डैम्पिंग में आएगी।